कैसे? क्या मैं आपको खिला सकती हूँ? बेटा आप देख कर ना वो जाओगे। बता क्या आते ना बेटा? अरे ये अब्बू क्या मेरी तरफ से है। कहा था ना कितनी प्यारी होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। ईद मुबारक सबको। और मुझे सुबह ही सुबह इतना हसीन सरप्राइज मिला है, मैं आपको थोड़ी देर में उस सरप्राइज से मिलाती हूँ। आप सबको पता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यू गाइस नो व्हाट आई एम फीलिंग राइट? यू ऑल कैन फील मी। सो हम लोग जा रहे हैं नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए। आई एम ऑल रेडी, ठीक है, मैंने अबाया पहना है एंड देन सब जा रहे हैं। सो नाश्ता वगैरह लेकर आएंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। अब तक तो सारे लोग व्लॉग बनाएंगे, मुझे तो कन्फ्यूज़ हो रही हूँ अभी से। He's here finally, oh my god. Okay guys, तो हम लोग आ गए और आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं। देखो मतलब इधर से नहीं दिखेगा, आगे से दिखेगा। आप अगर दिखाती हो बहुत लगेगा माशाल्लाह। सूरज निकल रहा है, बहुत लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अंदर चलते हैं। लिटरली पापा का और वासे का वेट कर रही हूँ ताकि वो लोग आए तो मैं ईद मिल सकूँ उनसे। इतने कहाँ रह गए यार। फोटोशूट चल रहा है वहाँ पे सबका। बाबा ये रहे, बाबा से मेरी ईद तो मिल ली लेकिन मैंने वीडियो लेना ही मैं भूल गई। बाबा एक और बारी मिल लेते। ईद मुबारक हो। ईद तो वहाँ से चला गया था। हम जाके शीर खुरमा खाएंगे। बाबा मम्मी बोल रही थी कि नाश्ता भी लेते हुए आना, तो हम पहले शीर खुरमा खा लेते हैं, ट्रैफिक मिलेगा अभी। तो क्या बोलते आप? भले है ना, भले भले। तो हम पहले जाए क्या बोलते हैं उसे, शीर खुरमा खा दें तो उसके बाद जाएंगे। देखो सब पिक्चर्स दे रहे हैं यार। थोड़ा सा रेडी हुई हूँ क्योंकि हम लोग शीर खुरमा वगैरह खाएंगे और मुझे अभी भी पता है कि पता चला है कि आयुष सिर्फ 3 दिन के लिए आया है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जितने दिन आए हम उतने दिन ही जो है विल मेक क्या बोलते हैं इनफ मेमोरीज इंशाल्लाह। एंड देन कोई नहीं, अल्लाह करीम। चलो जाके अभी हम शीर खुरमा खाते और कंटिन्यू करते अपना व्लॉग। मेरा ड्रेस नहीं है, मेरा ईद का ड्रेस डिफरेंट है। ये बस मैंने इसलिए पहन लिया बिकॉज ही लाइक्स रेड ऑन मी, सो मैंने बोला रेड पहन लेते हैं, इट्स ओके। एंड आई गॉट द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इज यस, कैसे तुम पतली हो गई हो, क्या हुआ? तो गाइस मैं अब आप लोगों को शीर खुरमा दिखाती हूँ। ये देखें, ये रहा शीर खुरमा, ठीक है। और अब मैं ये सर्व करूंगी आयुष को। ये खीर है, वो है शीर खुरमा नहीं, वो खीर है, ये खीर है इसमा के लिए और ये शीर खुरमा है। सो आयुष ने तो पहले ये ट्राई नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तानी अफगानी काइंड ऑफ अ डिश और ये पाकिस्तानी का ट्रेडिशन है। तो देखते हैं आयुष को कैसा लगता है बिकॉज इट्स डिफरेंट फॉर हिम। सो मैं उसको सर्व करूंगी और मॉम जो है मेरा व्लॉग बनाएंगी, ठीक है ना मॉम? और इस लाइटिंग में पता नहीं कैसी आ रही, बिकॉज इसमें मैं अच्छी नहीं आती, बट इट्स ओके। लेकिन अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही, अच्छी आ रही, ठीक है। तो ये शीर खुरमा है, ठीक है। जब ईद होती है तो ये हम बनाते और खाते, जब
जैसे कि जैसे में वो बनती है ना क्या बनती है वो स्कूल रोटी में क्या बोलते हैं सेल रोटी इस तरीके से ठीक है तो अब हम ये तुम्हें सर्व करते हैं तुम्हें बताने के दस रुपए में सेल रोटी बनते ना गाइस तो ऐसे ही ईद में ये बनते हैं सेल रोटी शीर खुरमा अली से मिक्स कर लो ऊपर खोपरा है ना मिक्स नहीं नहीं दूध होती है और सेवैया होती है आप टेस्ट करो ट्राई करो और बस टेस्ट करके आप खोपरे के नाम ये बहुत मीठा होता है लेकिन मैंने मीठा रखा नहीं पापा की वजह से क्या मैं आपको खिला सकती हूँ ठंडा और भी मीठा मीठा है हमने ये डिसाइड किया कि हम रेडी हो रहे हैं और पिक्चर्स वीडियोस वगैरह लेंगे एंड देन हम बाहर जाएंगे सो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस जो है अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ मेरा ड्रेस भी इधर पड़ा हुआ है आप लोगों को पूरा ड्रेस दिखाती हूँ रुक जाओ रुक जाओ सो गाइज ये रहा मेरा ईद का ड्रेस ठीक है आप लोग वैसे ही चमक रहे हैं सो ये मेरा ईद का ड्रेस है और इस पर बहुत नफासत से काम हुआ है और मुझे इसकी जो स्लीव्स है वो बहुत खूबसूरत लगी थी देख सकते हो आप लोग इस पर काम बहुत खूबसूरत हुआ है इसके साथ ट्राउज़र नहीं प्लाज़ो है गरारा नहीं है सो ये कुछ इस तरीके का है इस तरीके का देख सकते हो आप लोग इससे इसके जो है इस नीचे पैंटों में जो है काम हुआ है बहुत खूबसूरत सा और इसके साथ मुझे ये क्या बोलते हैं बैग मिला है ये बैग भी है इसके साथ और ये मेरा ईद का जो है मेन जोड़ा है गाइस सब छोड़ो और इसका दुपट्टा देखो मतलब ओए होए मतलब मैं मर गई इसके दुपट्टे पे देखो चमक रहे सो ये है और मैंने इसके साथ मैचिंग का सेट भी लिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विच इज़ ब्यूटिफुल लुक इसके साथ बिल्कुल मैच होता है अगर आप इसके काम में देखें तो ये बिल्कुल मैच होता है सो ये है और हमने इसके मतलब ऊपर दिखाओ ना और हमने मतलब ईद है ना तो हमने ड्रामेटिक होना है तो हमारे पास ये भी है सो अच्छे से हम इसको कैरी करेंगे अब मैं जो है तैयार होती हूँ और फिर वीडियोस पिक्चर्स लेती हूँ और जब मैं अब तैयार होंगी तो ही मैं आयुष से ईदी भी मांगूंगी मैं देखती हूँ वो मेरे लिए क्या ईदी लेकर आया आई होप मेरे लिए ईदी लेकर आया हो सो कहते हैं कि मतलब कहते नहीं है हम किस तरीके से ईदी मांगते आपने जो है नया जोड़ा पहनना होता है और फिर ईदी मांगनी होती है सो मैंने ये वाला भी जोड़ा पहना था लेकिन ये वाले जोड़े में मुझको ईदी चाहिए सो लेट्स गेट रेडी सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैं जो है कल मतलब रात से नहीं सोई हूँ और हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं एक एक मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ तो मैं जो है अभी थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी उसके बाद मेकअप करूँगी ताकि मेरी स्किन जो है फ्रेश लगे बिकॉज़ मैंने कल रात का भी मेकअप किया हुआ था अभी भी मेकअप किया हुआ है तो इसके बाद भी करूँगी तो वो बात नहीं आएगी सो आई हैव टू डू माई स्किन केयर एंड देन हम रेडी होंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अब्दुल्ला से मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए वी नीड टू पुट इट ऑन क्या बोलते उसे हैंगर सो गाइस ये मैंने वॉश लगाया हुआ है और मैं बात नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैंने बोला आप लोगों को लगा बता देती हूँ हंसना नहीं है प्लीज हंसो मत एनीवेज ये स्किन केयर हो जाए फिर हम मेकअप शेकअप करते हैं सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जो है आयुष का रिएक्शन नोट क्या बोलते हैं क्या लेंगे रिएक्शन उसका हम रिकॉर्ड करेंगे सो लेट्स गो ओके सो गाइज मैं आईएफपी का अभी शूट कर रही हूँ जो कि आईएफपी रेडी हो चुकी है कम्प्लीटली और मैं लूँगी रिएक्शन आयुष भाई का और आयुष भाई दिखा अपना आउटफिट माशाल्लाह से ईद मुबारक भाई इतना प्यारा जोड़ा है आईएफपी की वाह क्या एक्टिंग है एकदम लड़कियों वाली चाल चल रहे हो आ रही है वो तो ये वाली आईएफपी ने ड्रेस दिखा दी ना भाई आ रही है ओके आप यहाँ हो गए रेडी हो आप ओके आईएफपी आ जाओ जी हाँ मैंने आईएफपी को वहाँ पे रख दिया एकदम ऐसे नहीं अच्छे से देखना है आइए आ जाओ
बेटा आप देख कर ना वो जाओगे अरे तो मैचिंग हो रही यार इसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता जैसा मेरा होता है ना कस्टम से बस इसमें मैंने रिएक्शन दिखाया नहीं ये कोई रिएक्शन होता है पैसे क्यों मांगूंगी तो ईदी तो वही बोलती है वो तो पैसे पैसे करती रहती है ना ए चल बे ईदी पैसे होती है और गिफ्ट्स भी देते हैं बट ईदी मतलब मेन पैसे होती है अच्छा तो पैसे दो अब ए टैक्सी की मतलब इधर भाड़े दे दे पंगा लगा मैं आज कसम से लगभग 200 दरम आ गई इजू टैक्सी की आज 200 दरम यानी कि नेपाल की इतनी पता है लगभग 10 साल हो जाएगी ईदी 10 साल में तो मैं तो असम में टैक्सी में जाऊं ईदी बोल रहा हूं बाद में दूंगा अभी वीडियो बना देना पर मैं तैयार होकर अभी आई हूं पता नहीं मुझे पता है कुछ ना कुछ है ना मतलब फजूली लेकर आएगा और बोलेगा की ईदी है तुम्हें भी ये लग रहा है ना 100% क्योंकि उस रूम में क्यों गया है हाँ। उस रूम में तो उसका कुछ है ही नहीं सामान नहीं एक बात बताऊं वो अपना सूटकेस वहां पे लेके गए मैंने देखा है हाँ कसम से मैंने देखा okay, जब मैं बुलाने गई थी ना हाँ एक सेकंड यार चलो वहां चलो वहां बैठो वहां बैठो वहां इधर 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 हां इधर बैठो इधर बैठो हां बैठो बैठो ओहो भाई मम्मा भी आ गई मम्मा का रिएक्शन बहुत प्यारा है यार बहुत प्यारा है बहुत प्यारा वो नहीं राजकुमारियों की तरह खुद चूज किया था तो देखी तुम अरे यार कितने प्यारे है दोनों बहुत बहुत प्यारे बहुत थैंक यू हो गई यार बस ये तो अभी कोटी से मिल रहा है हाँ ये वाला ना हाँ सो गाइस इधर ये नखरी वाली मुझे टिकटॉक विकटॉक और फोटो वोटो क्लिक करने के लिए लेके आ गई है और मुझे बंदी ने नेपाल से बस यही करने के लिए बुलाई है शायद और देखो खुद तो मतलब फैन के आगे बैठी है और मुझे मतलब इधर धूप में खड़ा करिए पता नहीं क्यों लाइफ है देखो यार कहाँ से कहाँ फंस जाती है जिंदगी में हाँ तो मतलब मेरी चांद नहीं आया मेरी चांद बोल के फोन में मतलब सो टिकटॉक डाल दिया होगा शायद दो दिन से ठीक है रो रो के लोगों को मैनिपुलेट कर रही है कि लोग मतलब मुझे फोर्स करे कमेंट्स में जाके मैसेजेस में जाके इधर उधर और मैं जब उसको बोलता हूँ कि आ नहीं पाऊंगा शायद तो बोलती है हाँ ठीक है जान कोई नहीं पर उधर टिकटॉक में मतलब सो टिकटॉक इतना पोस्ट करी लोगों को मैनिपुलेट कर करके ये लड़की ने मुझे इतना मतलब वो जुर्म किया है मेरी जिंदगी में मैं क्या बोलूँ यार छोड़ो यार पतला हो गया हूँ यार दो दिन में और ये देखो 15 Pro Max देखो इधर 15 Pro Max गाइज ये मोटी की 15 Pro Max और इतना अच्छे फ़ोन हो गए भी मतलब ब्लॉगिंग कराने आ रही है देखो इधर मैं कैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इसमें फिल्टर विल्टर मत लगाना ठीक है मेरी इसे नेचुरली अच्छी आती है और हमारे चड्डी कैमरामैन तो गाइस यार मस्त बना लिया यार ये मोटू ने देर आज दिन भर पूरा मेरी खत्म कर दिया आज ही मतलब नेपाल से आया हूं नहीं लाए के फोन से लिए है ना ऐसा लग रहा है फोटो शूट करवाई हम लोगों ने नहीं जान
हाँ ऐसी लग रही है तुम्हें लग के सब लोग अपनी फोटोज जो है वो करने वाले इसको मैं डू नॉट डिस्टर्ब से डाल रही हूं। ऐसा ऐसे कुछ नहीं दिख रही अभी छोड़ो। ओके आप लोग जाके इंस्टाग्राम में देख सकते हो गाइस और मैं अब टिकटॉक भी अपलोड करूंगा। अरे अरे मोटू ने कसम से यार मैं तो सोया भी नहीं हूँ कल से नेपाल से आया हूँ सीधा और इधर आके पूरा ईद मेरा क्या इरादा था कि हम 4 बजे तक तैयार होंगे। हाँ तो मैंने बोला कि टाइम इज इम्पोर्टेंट। ओके गाइस तो अभी मैं अपना व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ बिकॉज अभी हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। मैं कल रात की नहीं सोई हूँ तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी शाम में और इसमें कॉल पर ही है मेरे साथ। सो यप गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं सोई हूँ माशाल्लाह 5-6 घंटा और मॉम मुझे यहाँ से जो है ना वो वगैरह चीज़ें वगैरह दे रही हैं। तो अब हम जाएंगे लाइव और ये मुझे आयुष ने ही ड्रेस दिया है पूरा। मैं आयुष अभी आएगा तो मैं आयुष को बोलूँगी कि वो दिखाए ड्रेस, बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत अच्छा है, पूरा फिट आया है फिट। सो सो कर उठ गया ये। हाँ तो सुबह से नहीं सोया था जब से नेपाल से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? मजा आ रही है। मैं पतली हुई हूँ। बोलो बोलो। मुझसे पतली हो शायद। हाँ मुझसे पतली है। है हाँ तो बॉडी दिखा नहीं इधर। मतलब मैं पहले से हुई हूँ कि नहीं हुई? बहुत पहले जब ये आया ना तो मैंने बहुत लूज सा ड्रेस पहना हुआ था, मुझे बोलते नहीं कोई पतली नहीं। क्या लाइव करो जल्दी, क्या कर रही थी? चलो स्टार्ट कर। जगह दो रेडी। जब हम लाइव जा रहे हैं ठीक है, लाइव खत्म करके खाना वगैरह खाएंगे हम बाहर ही। आई मत रख पता कर। अरे मेरे व्लॉग में दिख रहा है। हजुरामा को बाहर लेकर आई। हजुरामा कैसे है डेकोरेशन? एकदम एकदम अच्छा है। मौसम भी अच्छा है ना गाइस? हमने ये छोटा सा ये फैन भी इधर रखा है ताकि अगर गर्मी लगे तो हम अब हम खाना भी इधर ही खाएंगे। सो मैं हजुरामा मैं मम्मा आप इधर बैठे, मैं हजुराम मैं वास्तु और आई से पूछ कर आती हूँ कितना टाइम लगेगा, भूख लग रही है यार। अभी स्टार्ट किया है? चले सही है ठीक है ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं। हजुरामा ये देखिए ये मम्मी का फेवरेट चीज है, इधर पानी डालो और इधर से आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। मम्मा आप आयुष को ईदी में क्या दे रही है? तुझे क्यों बताऊं? बताओ ना। नहीं, मैं नहीं। अरे प्लीज हजुरामा मम्मा से पूछो ना कि मम्मा क्या पूछ दे रही है उनको ईदी में। अपनी बेटी दे दी ना। आपको क्या देंगे? आपको बेटा को आपको सो गाइस यही है ठीक है, हीरे जैसी बेटी चेक करो। मैं जो है ना चेक करके मम्मा आप आओ आइए ना इधर। हाँ सही है सही ठीक है। हजुरा मैं चाय पियेंगी। सो टाइम फॉर क्या? आयुष की ईदी। आयुष की ईदी बता क्या आते ना बेटा। तो पूरा डॉन रेडी हो रहा है यार। हाँ ठीक है बिस्मिल्लाह आराम से। सो गाइस ये जो है आयुष की ईदी, इन लोगों ने आयुष को दे दी है और फौरन अंदर रखते हैं। अपनी चीज ऐसे संभाल के रखते, किसी को भी नहीं देता। फौरन अंदर क्या है ये ले जाओ। सो गाइस अब हम खाना खाएंगे और मैंने कहा रेडी हुई थी, मैंने व्लॉग का कुछ शूट ही नहीं किया, पिक्चर्स वीडियोस भी कर दिए। देख सकते हैं आप लोग खाना लग चुका है ठीक है। अब हम खाना खाएंगे एंड देन फिर आराम से इधर बाहर बैठेंगे फैमिली टाइम स्पेंड करके। अब कल का जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया है कहाँ जा रहे हैं और ये वो। कल हम दोपहर में जो है ना मतलब खाना इतना हैवी नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर ही खाएंगे। ओह खुशी चेक करो, इतनी खुशी मुझे दे दो। लेके जाओगे? हाँ तो क्या तुम्हारे साथ मुझे क्यों नहीं दी, मुझे भी तो दो। जब मैं इधर नहीं होता हूँ तब लाइव में क्या बोलती, गुची की शर्ट भेज दूंगी ये हो। नहीं बोल रहा हूँ, कल की लगाऊंगा गाइस दो चला के आपको दिखाऊंगा। तू तो जीरो कट्टा क्या?
ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. आज का व्लॉग मेरा मतलब पर्सनली जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं था. मैं मतलब इतनी सेटिस्फाई खुद से नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को नोट मतलब ट्राई किया बिकॉज मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी. इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, तो मतलब मैं मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ऐसे व्लॉग स्टार्ट करके या ये वो कुछ भी. तो या आई तो मुझे मेरा सरप्राइज मिल चुका है. अब कल हमारी और अच्छे से वीडियोस पिक्चर्स आएंगी. आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा कल का दिन भी बहुत अच्छा जाए. बाकी आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग. मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. 7 लाख होने वाले हैं यार, कम ऑन जल्दी 7 लाख करवाओ ना प्लीज. और मैं क्या बोलती थी, और कुछ बोला तुमने, हो जाएंगे 7 लाख वीडियो बन करो गाइस. बाय, कल व्लॉग बनाओगी? मैं हां इंशाल्लाह मैं तो बनाऊंगी. ओके गाइस बाय, टेक केयर.